बुधवार को तेंदुखेड़ा क्षेत्र के ग्राम बिलगुमा में संचालित वंशिका शुगर मिल में क्षेत्र के कृषकों को गन्ने की फसल के उचित प्रबंधन, संवर्धन और कीटों से नियंत्रण को लेकर कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गोष्ठी के उद्देश्य किसानों से उनकी राय लेकर बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने, विभिन्न किस्मों का गन्ना बीज उपलब्ध कराकर अधिक उत्पादन करने तथा गन्ने फसल में लगने वाले कीटों पर कैसे नियंत्रण पाए, उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक दवाएं और निर्धारित समय पर बौने करने सहित उपस्थित वैज्ञानिकों और मिल प्रबंधन के जीएम तथा कृषकों को उनके अनुरूप माहौल बने और हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए विधायक संजय शर्मा ने भी अपनी बात रखी। इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे तथा अधिक उत्पादन करने वाले कृषकों को यहां सम्मानित भी किया गया। आयोजन किया है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रति वर्ष जो संगोष्ठी साल में दो बार होती है, किसानों के जो सुझाव मिल प्रबंधन को होते हैं वो लिए जाते हैं, मिल प्रबंधन के द्वारा जो दी जाती है उसके बाद जानकारी दी जाती है। उस एक बार मिल जब बंद होती है उसके बाद किसानों को बैठक किसान संगोष्ठी होती है, दूसरा जब मिल चालू होती है उसके पहले संगोष्ठी होती है। इस बार हमने बीच में भी रखवाई कि तीन बार संगोष्ठी हो, जिससे किसानों के लिए गन्ने के जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनको बुला के किसानों के लिए अच्छी सलाह दिलवाती हैं, उनको अच्छे सुझाव मिलते हैं जिससे उनका उत्पादन बढ़े, अच्छी किस्म के गन्ने के बीज उनको मिले। वो किसानों के लिए कोई कहीं ये समस्या होती है रास्ते की, पानी की, आने जाने की दिक्कत की, मिल प्रबंधन में कहीं देर से ट्राली खाली होने की या कहीं कोई पेमेंट की अपनी बात रख देते हैं, तो उसमें संगोष्ठी में आने से एक दूसरे सबके मुलाकात होती है, हम लोग भी रहते हैं, जिससे मिल प्रबंधन को हम लोग निर्देशित करते हैं कि उनकी व्यवस्थाएँ ठीक करें जिससे किसान हमारा खुशहाल रहे, उसका अच्छा उत्पादन हो, प्रतिवर्ष गन्ने का उत्पादन बढ़े। इसके लिए मिल प्रबंधन से हम अच्छे अच्छे बीज, बस किसानों के लिए खाद की व्यवस्था, उनके लिए उचित दर पर जो खाद आता है कम से कम रेट पर उनको मिले, उसका पैसा उसको बाद में लगे, किसान को जो गन्ने का पेमेंट होता है उस समय किसान उसका पेमेंट कर सके, ये सुविधाएं हम मिल प्रबंधन से दिलवाते हैं। तेंदुखेड़ा से पतिराम पटेल की रिपोर्ट।